أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جلد سوم حكايت نمبر 1 ابتداء دفتر سوم ऐ ज़ियाउल्लाह हक रहमतुल्लाह ताला अलैह, तीसरा दफ्तर लिखना ज़रूरी है क्योंकि तीन बार करना सुन्नत है। तहारत ज़ाहरी, वज़ू और गुस्ल वगैरह में भी तीन बार धोना मसनून है। लिहाजा तहारत बातनी जो कि मसनवी के मजामीन से हासिल होती है, उसके लिए भी तीसरे दफ्तर में तीसरी बार मजामीन का लाना बहुत मुनासिब रहेगा। अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को बहाना न बना और उज़र न कर, क्योंकि तेरी कुव्वत जिस्म और रगों की मोहताज नहीं है बल्कि अताए खुदावंदी है। जिस तरह सूरज की रोशनी ज़ाहरी असबाब की बिना पर नहीं है, इसी तरह तुम्हारी ताकत भी असबाब ज़ाहरी से मुतल्लिक नहीं है। आसमानों का कयाम भी ज़ाहरी असबाब से मुतल्लिक नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह कुव्वत के बाजू से बस्तियों को उलट दिया भी किसी जिस्मानी गिज़ा की वजह से न था। औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुव्वत भी मिन जानिब अल्लाह होती है, ये किसी मादी चीज़ की मोहताज नहीं होती। अब्दाल के अजसाम भी नुरानी होते हैं और वो इंसानी रूह और तमाम फरिश्तों से बड़े हुए होते हैं। नफसानी रिजाइल को आपके मजाज ने मगलूब कर रखा है, क्योंकि आपका मिजाज अल्लाह के अखलाक से बना है। आपको इसी वजह से अल्लाह से इत्तेहाद हासिल हो चुका है। अवाम की समझ के गले से ये मजमून इबादत नहीं उतरता, क्योंकि अवाम वो हलकूम ही नहीं रखते जो इन मजामीन को निगल सके। लेकिन ऐ ज़ियाउल्लाह हक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप में वो ताकत है कि पत्थर के गले में से भी इस मजमून को उतार सकते हैं। इन मजामीन को कोहे तूर ने समझ लिया, हालांकि वो पत्थर है। कोहे तूर का रक्स मार्फत की शराब पी लेने की वजह से तो था। एक इंसान दूसरे को लुकमा तो दे सकता है, लेकिन हलक अता करना तो सिर्फ खुदा का काम है। तालीम व तरबियत देना तो इंसानी फेल है, लेकिन तालिब के अज़ा का उसे कबूल करना और उनमें कबूलियत की इस्तादाद पैदा करना अल्लाह ही का काम है। अल्लाह हर उज्व को और रूह को खल्क उस वक़्त बख्शता है जब इंसान खुदाई इखलाक से मौसूफ हो जाए, और भी मारफ़ इलाहिया उस वक्त हासिल होते हैं जब इंसान में उनके इख़फ़ा की पूरी सलाहियत पैदा हो जाए और ना अहलों के सामने उनको ज़ाहिर ना करने पर उसको कुदरत हासिल हो जाए। अल्लाह ने ज़मीन को भी ये हल्क अता किया है, वो पानी पीती है और सैकड़ों किस्म की घासें उगा देती है। हैवानात को इसी हल्क की वजह से मालूम हो जाता है कि उनकी गजा घास में है। हैवानात और नबातात से इंसान अपनी गजा हासिल करता है, लेकिन एक मुकर्रा मुद्दत के बाद जब वो मरता है तो वही खाक उस खुदाई हल्क की वजह से इंसान को अपनी खुराक बना लेती है। कायनात में बाहमी तनाज़ा लिल बका का निज़ाम जारी है, और कायनात का हर जर्रा दूसरे को खाने के लिए अपना मुंह खोले हुए है। पत्ते जो के हवानात की गिजा हैं, उनको भी अल्लाह ताला खुराक फराहम करता है। कायनात में जो चीज़ें दूसरों की परवरिश करती हैं, उनकी खुदा परवरिश करता है। गेहूँ खुद रिज्क है, लेकिन अगर उसको रिज्क मुहैया ना हो तो उसकी परवरिश भी ना हो। आलम इमकान में सब चीज़ें एक दूसरे को फना कर रही हैं। हाँ, बका सिर्फ उनको हासिल है जो मकबूल बारगाह इलाही है। आलम इमकान में सब चीज़ें फना हो जाती हैं, लेकिन दूसरे आलम में मौत नहीं है, वहाँ बका ही बका है। जब कोई इंसान मजमूए फजाइल बन गया तो वो मुजस्सिम बाकी रहने वाली नेकी बन गया। इसीलिए औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम और बुजुर्ग यकरू हजार कालिब होते हैं। इस जहान में जो खाने वाले हैं और वो खुद खाए जाते हैं, उनका तो सिर्फ हल्क और गला है, लेकिन जो लोग अपने नफ्स पर गालिब हैं और अल्लाह की मर्जियात से मतलूब हैं, वो ही साहब अकल व राय होते हैं। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को खल्क इनायत फरमाया तो वो जादूगरों की लाठियों और रस्सियों वगैरह को निगल गई और फिर मोटी भी ना हुई, क्योंकि उसका खाना हैवानी खाना न था। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के खल्क था, इसी तरह यकीन का भी खल्क होता है जो वसावस को निगल जाता है। बस जिस तरह खारजी अशिया का खल्क होता है, उसी तरह मानवीय अशिया भी निगल जाने की सलाहियत रखती हैं। अगर इंसान में मनफी मानवीय अशिया यानी वसावस शैतानी को निगल जाने की सलाहियत पैदा हो जाए
और इस तरह अपनी रूह को मादी जरूरियात के एहसास से पाक कर ले तो उसकी जिस्मानी और रूहानी रोजी खुदाई हो जाती है। अपनी अकल और दिल को मादी अशिया की मोहब्बत से पाक कर लें तो निज़ाम हज़्म के बगैर ताज़ा ग़िज़ा मुयस्सर आ जाती है, जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मिला करती थी। इसके लिए मिजाज का बदलना शर्त है। गलत खुराक खाने से इंसानी जिस्म में अमराज पैदा हो जाते हैं, लेकिन जब मादी मिजाज में तब्दीली आ जाती है तो इंसान अनवारे इलाही का महल बन जाता है। दाइयाए कुदरत जब बच्चे का दूध छुड़ाती है तो तरह तरह के मेवे खिलाती है। जब तक बच्चा शीर ख्वार रहता है, बेशुमार लजीज गजाओं से महरूम रहता है। इसी तरह दुनियावी लज्जतों का दूध छोड़ने पर उखरवी नेमतें मौकूफ हैं। जिस तरह बच्चा का दूध छुड़ाना उसके लिए गजाओं की तरक्की का सबब बना, इसी तरह अगर लज्जत जिस्मानी तरक करोगे तो रूहानी गजाएं बेहतर से बेहतर हासिल होंगी। जिस्मानी लज्जात के तर्क से हिकमतें हासिल होंगी और जाते खुदावंदी की तलब पैदा होगी। अगर माँ के रहम में बच्चे से कोई कहता है कि बाहर बड़ी मुनज्जम और खूबसूरत दुनिया है जहाँ बहुत सी नेमतें हैं, तो बच्चा इस खारजी आलम की बातों का इनकार करता है। इसी तरह अवाम आलम आखिरत की बातों का इनकार करते हैं। अब्दाल लोगों को बताते हैं कि यह दुनिया तारीख और तंग कुआं है और इसके बाहर एक वसी बेबू और बेरंग आलम है। वो लोग नहीं सुनते क्योंकि इस दुनिया का लालच एक मोटा और गहरा पर्दा बन गया है। लालच कानों को सुनने और आंखों को देखने से रोक देता है। जिस तरह खून के लालच ने बच्चे को बाहर आने से रोक दिया था, वो खून के अलावा किसी और गिज़ा से वाकिफ नहीं था। इस दुनिया का लालच तेरे लिए भी पर्दा बन गया है और यकीन को तुझसे पोशीदा कर दिया है। लालच हक को बातिल करके दिखाता है। सच्चे लोगों की तरह तू लालच से बेजार हो जा ताकि उस दरगाह तक पहुंच सके। तेरी रूह की आंख रोशनी और हक देखने वाली बन जाए और तू खौफ से निजात पा जाए। एक मिसाल सुन, शायद तुझे रूह का नूर हासिल हो जाए। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 2। लालच की वजह से हाथी के बच्चों को खाने वालों का किस्सा और नसीहत करने वालों की नसीहत को तर्क कर देना। हिंदुस्तान में एक अकलमंद ने कुछ दोस्तों को देखा कि भूख के नंगे थके हुए चले आ रहे हैं। अकलमंद की मोहब्बत ने जोश मारा। उसने उन्हें सलाम किया और कहा कि मैं जानता हूं तुम थके हारे हो और भूखे भी हो, लेकिन ऐ दोस्तों, खुदा के लिए हाथी के बच्चे को ना खाना। ये खूब मोटे ताज़े पले हुए हैं, लेकिन याद रखो इनकी माँ हर वक्त गात में रहती है, इसलिए उसके काबिल रहम बच्चे से बचो। ऐ बेटे, औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम भी अल्लाह के बच्चे होते हैं। वो हर वक्त उनसे बाखबर होता है। वो गैर हाजिरी में भी काम में लगे होते हैं। औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम बज़ाहर बेसहारा इसलिए बनाए गए हैं कि अवाम की आजमाइश हो सके। सब औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम सीरत के अतबार से एक होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की एक लाठी फ़िरऔन की सल्तनत को बगैर अल्लाह की मदद के कैसे जेरो जबर कर सकती थी, और कौम लूत की बस्तियां सिर्फ एक बददुआ से कैसे गर्क हो सकती हैं। तो इनके निशान अब भी शाम में जाकर देख सकता है। ये तमाम वाकयात ऐसे हैं कि सुनकर पहाड़ों के जिगर खून हो जाएं, लेकिन इंसान कैसी मखलूक है कि उनको इबरत की निगाह से नहीं देखते। उनको ऊंट में ऊन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इंसान इस दुनिया के नफा और नुकसान को जर्रा जर्रा देखता है और दुनिया की खुशी पर नाचता है। ऐसा मुनासिब नहीं। इंसान अपनी हस्ती को मिटाए, लालच और शहवत से आजाद हो, तब खुशी मनाने का मौका है। नेक लोग जब अपने बुरे अखलाक, हसद और किब्र वगैरह से निजात पा जाते हैं और नकायस से पाक हो जाते हैं, तो कुदरत की तरफ से उनके लिए तालियां बजाने और रक्स के असबाब मुहैया कर दिए जाते हैं। समंदर की लहरें देखो कैसे नाचती हैं और दरख्तों के पत्ते कैसे तालियां बजाते हैं। तुम इन पत्तों के तालियां बजाने को नहीं समझते क्योंकि उनको सुनने के लिए दिल के कान दरकार हैं, ना कि बदन के। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के बारे में कुरान में आया है, उज़्नु खैरिन लकुम, यानी उनके कान सिर्फ नेकी सुनने वाले हैं। वो हमारी भलाई के लिए मुजस्म कान और आंख हैं। उनकी रहमत दूध पिलाने वाली है और हम बच्चों की तरह हैं। इस बात की इंतहा नहीं। आओ हाथी वालों को देखें।
जिल्द सोम, हिकायत नंबर 3। हाथी वालों का बकिया किस्सा। हाथी हर मुंह को सूंघता है ताकि कहीं अपने बच्चे के कबाब की खुशबू पा ले और फिर बदला ले। तू अल्लाह के बंदों का गोश्त खाता है, उनकी गीबत करता है तो सजा जरूर पाएगा। अल्लाह भी इसी तरह तुम्हारे मुंह सूंघेगा। कब्र में मुनकर नकीर इस खुशबू से वाकिफ है, उनसे मुंह नहीं छुपाया जा सकेगा। वहां कोई हीला कारगर नहीं होगा। मलकुल मौत का गुर्ज बजाहर नजर नहीं आता, लेकिन बीमार बाजोकात देखता है और घर वालों से कहता भी है कि देखो मुझे कौन मार रहा है। वो कहता है कि यह वहमी बात नहीं है, बल्कि जान निकालने के लिए मुझे मारा जा रहा है। हमें ये बातें वहम नजर आती हैं, लेकिन बीमार जो कुछ देखता है हम नहीं देख सकते। उसके देखने की वजह यह होती है कि उसकी नजर हिर्स से दुनिया से खाली हो चुकी होती है। अगर पहले ही से हिर्स को खत्म कर लिया जाता और अजाब की कैफियत नजर आ जाती तो नेक अमाल कर सकता था। अब आंख का खुलना बेवकत है और बेवकत का काम हलाकत की तरफ ले जाता है, जैसे कि बेवकत अजान देने वाला मुर्ग ज़बह कर दिया जाता है। हैरान इंसान के जिस्म के अज्जा फना होते रहते हैं और उनकी जगह दूसरे अज्जा लेते रहते हैं। इसलिए तू हमेशा अपने ईमान की निगरानी करता रहे, हर वक्त हर जगह पर औस जरूर रखता रहे, ताकि तुझे वस जो दू वक्तरिब सजदा कर और करीब हो जा का मकसद हासिल हो जाए। दुनिया के कामों में कोशिश करो, लेकिन आखिरत के कामों में इन्हिमाक रखो। अगर आखिरत के काम नहीं करोगे तो दुनिया से नाकाम जाओगे। कब्रों की आबादी कतबे लगाने से नहीं होती, बल्कि अपनी कब्र दिल की सफाई से बना। अपनी खुदी को अल्लाह की खुदी में फना कर दे। एक बदकार अच्छा लिबास भी पहन ले तो उसे सुकून कल्ब तो हासिल नहीं होगा। नेकमल इंसान गुदड़ी में भी हो तो उसका दिल बाग बाग होता है। नसीहत करने वाले ने मुसाफिरों से कहा कि भूख के वक्त घास खा लेना, लेकिन हाथी के बच्चे को शिकार ना करना। मैंने नसीहत का हक अदा कर दिया है, अब खुदा हाफिज। मुसाफिरों में से एक ने नसीहत को मान लिया और गोश्त ना खाया, लेकिन बाकी ऐसा ना कर सके। उसे फकीर की बात याद थी, वो जागता रहा और बाकी सब कबाबों से पेट भरकर सो गए। उसने देखा एक खौफनाक हाथी आया, उसने उसके मुंह को 3 बार सूंघा और बू ना पाकर चला गया। फिर उसने हर सोए हुए के मुंह सूंघे, हाथी ने उन सब को फाड़ डाला। इसलिए ऐ मखलूक का खून पीने वाले तौबा कर ले। लोगों के माल को उनका खून समझ। किसी के माल को तबाह करना उसकी जान को तबाह करने के बराबर है। मकर करने वाले को उसके मकर की बू रुसवा कर देती है। वो जात जो एक अच्छी खुशबू यमन से सूंघ लेती है, वो मेरे और तेरे बातिन की भू को क्यों ना महसूस करेगी। वो हम सब की भू को पहचानते हैं, लेकिन अपने कर्म से हमसे छुपाते हैं। हर अच्छी और बुरी भू आसमानों पर पहुंचती है। हम सो रहे होते हैं, हमारे मुंह की भू आसमानों का सफर कर लेती है। हमारी तकब्बर की भू, गुस्सा की भू, हिर्स की भू, प्यास की भू की तरह सांस के साथ होने की वजह से पहचान ली जाती है। अगर तू इनकार करेगा तो ये भू तेरे खिलाफ गवाही देगी। गुनाहों की बू की वजह से हमारी दुआएं मरदूद हो जाती हैं और दिल का टेढ़ापन जुबान से जाहिर हो जाता है। इसी तरह इखलास के साथ बाज नामुनासिब लफ्ज भी बारगाह में कबूल हो जाते हैं। अगर दुआ में इखलास नहीं है तो बेहतर अल्फाज भी मरदूद करार दिए जाते हैं। दोस्तों की गलती बेगानों की अच्छाई से बेहतर होती है। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 4। दोस्तों की गलती के बयान में जो महबूब के नजदीक गैरों की ठीक बात से बेहतर है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान में हई को आजज़े की वजह से हई पढ़ते थे। मुनाफिकों ने कहा, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा दुरुस्त नहीं है, किसी फसीह मुअज्जन को मुकर्रर फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आ गए और फरमाया, बलाल का हई कहना शोरोगुल के सैकड़ों हई से बेहतर है। मुझे जोश न दिलाओ, वरना तुम्हारे दिल की सारी बुराइयां तुम पर जाहिर कर दूंगा। अगर तुम्हारी दुआओं में अच्छा दम नहीं है तो बेहतर है किसी सफाई वाले से अपने लिए दुआ कराओ। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 5। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का फरमाना कि मुझे उस मुंह से पुकारो
जिस मुंह से तूने गुनाह ना किया हो। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मुराद मांगते वक्त उस मुंह से मांग जिससे तूने गुनाह ना किया हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही मेरा मुंह तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, तो फिर दूसरे के मुंह से मांग, क्योंकि दूसरे के मुंह से तूने कोई गुनाह नहीं किया। ऐसे अमल करके दूसरे तेरे लिए दुआ करें। तेरा मुंह अगर दुआ करने के लायक नहीं है तो गैर का मुंह तेरी इस मजबूरी के लिए उज्रखा हो जाएगा। अगर अपने मुंह से दुआ करनी है तो मुंह को और रूह को पाक कर लेना चाहिए। अल्लाह का जिक्र पाक है, जब इससे पाकी हासिल हो जाती है तो नापाकी खुद बखुद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बाहर हो जाती है। जिद्दें जिद्दों को दफा करती हैं। रोशनी आती है तो रात भाग जाती है। इसी तरह अल्लाह का पाक जिक्र रूह को हासिल होता है तो ना पलीदी रहती है और ना नापाक मुंह। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 6। इसका बयान के नियाजमंद का अल्लाह कहना अल्लाह का लब्बैक कहना है। एक शख्स रात के वक्त अल्लाह अल्लाह करता था और उससे खूब लुत्फ हासिल करता था। शैतान ने उसे कहा, तुम बुत की तरह कब तक ऐसे करते रहोगे? अल्लाह की तरफ से तो लब्बैक का जवाब आज तक नहीं आया। वो दिल शिकस्ता हो गया और लेट गया। उसने ख्वाब में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने पूछा, तूने अल्लाह का जिक्र क्यों छोड़ दिया? उसने जवाब दिया, मेरे पास लब्बैक नहीं आ रहा। मुझे डर हो गया है कि मैं मर्दूद बारगाह हूं, क्योंकि जिक्र का जवाब नहीं आता। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सादा दिल, मुझे खुदा ने इसलिए भेजा है कि तुझे बताऊं कि तेरा अल्लाह अल्लाह कहना ही तो हमारी लब्बैक है, और तेरी आजजी और दर्द सोज तुम्हारी तरफ हमारा कासिद होता है। किसी शख्स को इबादत की तौफीक होना अल्लाह की जानिब से कबूलियत की दलील है। ये अल्लाह का करम ही है कि वह अपनी याद में लगा ले। अल्लाह का इश्क उसकी रहमतों को मतवज्जो कर देता है। तो दुआ करने वाले का एक मरतबा या रब कहना अल्लाह की जानिब से चंद बार लब्बैक कहना बन जाता है। जिससे खुदा नाराज होता है उसे कभी दुआ की तौफीक ही नहीं होती। अल्लाह ने उसे दर्द सर से भी महरूम रखा, वरना वो ही दुआ का सबब बन जाता। वो बीमारी जो अल्लाह की तरफ रजू करा दे वो अल्लाह की रहमत होती है। हदीस में है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे तकलीफ में मुब्तला कर देता है ताकि उसकी आजजी को सुने। दर्द और जारी के साथ दुआ इश्क का नतीजा होता है। घुट घुट कर रोना इब्तदाई हालत में होता है। जब इंसान दर्द और रोने की हालत में ऐ मददगार और ऐ मोइन पुकारता है तो आवाज साफ होती है और उसी में इंतहाई गम की कैफियत होती है। जब जज्बा इलाही तारी होता है तब इंसान दर्द के साथ गिरिया करता है। असहाबे काहफ के कुत्ते में जज्ब पैदा हो गया था। असहाबे काहफ का कुत्ता उन असहाब के फैज मोहब्बत से बराबर मैं वहदत पी रहा है। ए भाई, ऐसे कई मामूली लिबास वाले अहलुल्लाह होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। तेरे लिए ये जरूरी है कि जामे मोहब्बत की तलब में सब्र के साथ अपनी जान दे दे। एक मुजाहिद जंग की सख्तियों पर सब्र से काम लेता है तो फतेह याब होता है। सब्र कुशादगी का रास्ता है। तमाम मामलात में एहतियात और पुख्ताकारी से काम लेना जरूरी है। गफलत इंसान को मंजिल से दूर कर देती है। हर ख्वाहिश नफ्स के पीछे भागने वाला तिनके की तरह होता है। शैतान तरह तरह से इंसान को धोखे देता है, लेकिन इंसान की पुख्ताकारी ये है कि वो शैतान के फरेब में ना आए और उसके दामे फरेब से बच जाए। शैतान के खुशनुमा फरेब में बहुत सी मुजरतें पोशीदा हैं। दुनिया की दौलत की जनकार इंसान को उसके फरेब में फंसा देती है। याद रखो, कनात बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि दुनिया की चमक तमक चंद रोजा है। इसको धोखा समझो। एक किस्सा सुन ले। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 7। एक देहाती का एक शहरी को फरीफ्ता करना और खुशामद और आजजी से दावत देना। पिछले जमाने में एक शहरी एक देहाती का दोस्त बना। देहाती जब शहर में आता तो उसके घर में ठहरता और उसकी मेहमानी का लुत्फ उठाता। एक मर्तबा देहाती ने शहरी से कहा, जनाब आप कभी गांव तशरीफ लाएं, अपने बाल बच्चों समेत आएं और आकर देहात की
बाहर देखें। शहरी उसे टालने के बहाने करता रहता, लेकिन देहाती जिद करता रहा कि मेरे बाल बच्चे आपके मुंतजिर हैं। शहरी ने कहा, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, लेकिन हर नकलो हरकत अल्लाह के कब्जे में है। इसी तरह के देहाती के वादों और खुशामदों की वजह से शहरी के बाल बच्चों ने भी मिन्नत समाजत की कि हमें देहात में ले जाएं, ताकि ये भी हमारी मेहमान नवाजी का हक अदा करें। शहरी ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन इस मकौले पर भी गौर करो कि उस शख्स के शर से बचना जिसके साथ तूने एहसान किया हो। दोस्ती भी उन नेकियों की वजह से है जो आखिरी वक्त में काम आती हैं। मेल जोल दो किस्म के होते हैं, एक तो वो है जो दोस्ती टूट जाने का सबब बनता है, और दूसरा वो होता है जिससे दोस्ती में मजीद मजबूती आती है। ख्याल करना चाहिए कि कहीं मेल जोल दोस्ती तोड़ ही ना दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर कदम एहतियात से उठाओ, ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाओ। गलती से बचने के लिए पहले अक्ल से काम लो और अपने तजर्बे को काम में लाओ, और अगर समझो कि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा तो किसी दीदावर को अपना राहबर बनाओ। अंधा भी चलने के लिए कदम उठाता है तो एहतियात करता है कि कहीं गड़े में ना पड़ जाए। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 8। अहले सबा का किस्सा, नेमतों का उनको सरकश बना देना, और उनकी सरकशी और अल्लाह की नेमत और शुक्र की फजीलत। कुरान में सबा वालों का किस्सा आया है। अल्लाह ने उनको खूब फारिगुल बाली बख्शी, उन्होंने खूबसूरत किले, महल्लात और बागात तामीर किए, लेकिन उन बददीनतों ने उसका हक अदा न किया। वो वफादारी में कुत्तों से भी कम निकले। कुत्ता भी जहां से उसे लुकमा मिलता है वहां का वफादार निगहबान बन जाता है। वो किसी गैर को इख्तियार करना कुफ्र समझता है। अगर कोई अजनबी कुत्ता उधर आ जाए तो वो बौं कर उसको तंबीह करता है कि वो अपने पहले मालिक और उसके मकान को क्यों छोड़ आया है। जिस तरह कुत्ते का पहले मकान को छोड़ देना बेवफाई है, इसी तरह बुजुर्गों के दर से मुस्तफीद होकर उसे छोड़ना भी बेवफाई है। मुरीद अपने शेख के दर से बहुत सी रूहानी गिजाएं हासिल करता है, शुक्र, वजद और बेखुदी रूह की गजाएं हैं। असल गिजा वो होती है जो तुम्हारी रूह की परवरिश करे, ना कि जिस्म की। अहले दिल का दस्तरखान हजरत ईसा अलैहि सलाम के गिरजे की तरह होता है, जहां से सब फायदा उठाते हैं। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 9। मुसीबत जदों का हर सुबह हजरत ईसा अलैहि सलाम के गिरजा में दुआ से शिफा हासिल करने के लिए जमा होना। जिस्मानी और रूहानी मरीज हर सुबह हजरत ईसा अलैहि सलाम के गिरजे में जमा हो जाते ताकि वो उनको तकलीफ से निजात दें। वो अपनी इबादत से फारिग होकर चाश्त के वक्त बाहर आते और कमजोर बीमारों के गौल, उम्मीद और इंतजार में दरवाजे पर बैठे देखते तो दुआ करते और कहते कि जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी हाजतें पूरी कर दी हैं। तमाम मरीज मुसीबतों से ऐसे आजाद हो जाते जैसा कि ऊंट जानू का बंद खोलने से आजाद हो जाता है। उसने एक बुजुर्ग की दुआ से अल्लाह लोगों के दर्द और गम दूर कर देता और वो खुशी से दौड़ते हुए वापस जाते। ऐ इंसान, तू भी अल्लाह के नेक बंदों से बहुत दफा फैज हासिल कर चुका है। उनके दर को छोड़ना ऐसा है जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम के गिरजाघर से मुंह मोड़ना। तेरी नाशुकरी ने तुझे वो शहद भुला दिया जो तूने इन बुजुर्गों के दर से पिया था। ला मुहाला अहले दिल का दिल तूने जख्मी कर दिया और वो रास्ता तुझ पर बंद हो गया। अब भी तौबा कर ले, अबर की तरह आजजी से रो ताकि उनके बाग का दरवाजा तेरी तरफ खुले। अगर तुझ में कुछ कमाल भी पैदा हो गया है तब भी उस दर को ना छोड़। बेवफाई तो कुत्तों के लिए भी आर और जिल्लत है, तूने उसको अपने लिए क्यों पसंद कर लिया। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने वफादारी पर फख्र फरमाया है कि अल्लाह से बढ़कर ज्यादा अहद पूरा करने वाला और कौन है। उसके हुक्म के मुताबिक अच्छों से अच्छाई करो और बुरों से बुरा सलूक करो। माँ का हक बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह का हक उससे भी बड़ा है। माँ के पेट में भी तेरी परवरिश अल्लाह ही ने की, उसके बाद माँ के पिस्तान में दूध भी अल्लाह ही ने पैदा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे उस एहसान को याद करो कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के जरिए तुम्हारे बाप दादा को बचाया। मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो फिर तू इस कदर एहसानात के बावजूद मेरे साथ वफा ना करने वालों को क्यों दोस्त बनाता है। मैं भूल और बदगुमानी से पाक हूँ, मैं बाकी हूँ। तूफानी इंसानों से दोस्ती करता है
हालांकि दोस्ती के लायक कोई फानी नहीं बाकी होता है। इंसान तो हर हाल में इंसान का साथ छोड़ देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उस जात के साथ ताल्लुक पैदा करो जो कैदे जमानो मकान से पाक है। इस तरह का ताल्लुक पैदा करोगे जब तू जिस्मानी जिंदगी गुजारे वो तेरे साथ हो, और जब तू रूहानी जिंदगी गुजारे तो ला मकाम में तेरे साथ हो। उसको अपना साथी बना जो कि इंसान की बुराइयों को भलाइयों में तब्दील कर देता है। जब इंसान कोई गलती करता है तो अल्लाह ताला उसे तंबीह फरमाकर बुराई से निकालकर भलाई की तरफ मतवज्जो फरमा देता है। अगर कोई मुकर्ररा इबादत फौत हो जाती है तो अल्लाह ताला इंसान में एक इनकिबाजी कैफियत पैदा कर देता है। ये तंबीह होती है कि इंसान अपना मामूल ना छोड़े। इनकिबाजी की यही कैफियत आखिर में एक जंजीर बन जाएगी जिससे फरार नामुमकिन हो जाएगा। गुनाह करने के बाद इंसान में एक दिली तंगी पैदा हो जाती है, वो इसी गुनाह का असर होता है। जब इंसान इस गुनाह पर इसरार किया जाता है तो वही दिली तंगी जाहिरी गिरफ्त बन जाती है। इब्तदाई इनकिबाजी कैफियत ज्यादा पक्की होकर सजा की सूरत इख्तियार कर लेगी। इसी तरह नेकी इंसान की रूह के लिए इंशिराही कैफियत पैदा कर देती है। इनकिबाजी कैफियत का एहसास हो तो तौबा के जरिए उसका इलाज करके अजाला किया जा सकता है। नेकी पर इशराही कैफियत पैदा हो तो उसमें इजाफे की कोशिश करनी चाहिए। अगर अल्लाह की रहमत से इंशिराही कैफियत में फल पैदा हो तो अहबाब को उससे फैज पहुंचाना चाहिए। किसी की दी हुई नेमत का कुफरान ये भी है कि मोहसन का शुक्र अदा ना किया जाए। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 10। सबा वालों का बाकी किस्सा। सबा वालों ने कुफरान की यह सूरत इख्तियार की कि उन नेमतों को नेमत ना समझा और अल्लाह से उसके खिलाफ तमन्ना शुरू कर दी और झगड़ा किया। अहले सबा पर यह कर्म था कि उनकी आबादियां करीब करीब थीं ताकि सफर की मुशक्कत से बच सके। चारों तरफ सरसब्ज बागात थे ताकि उनसे फायदा उठाएं, लेकिन उन्होंने इन दोनों चीजों को नेमत न समझा। इंसानी नफ्स की एक ये भी खासियत है कि वो एक हालत पर राजी नहीं रहता, गर्मियों में जाड़ों की और जाड़ों में गर्मियों की तमन्ना करने लगता है। इसीलिए नफ्स को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। नफ्स की खासियत एक गोखरो किसी है कि इसकी जिस जानब भी रखें यह जरूर जख्म पहुंचाएगा। नफ्स के काटने को फूंकने की तरकीब यही है, हर ख्वाहिश को तर्क कर दिया जाए। अहले सबा ने यहां तक ज्यादती की कि वबा को नसीम सहरी से अच्छा समझने लगे। नसीहत करने वालों ने उन्हें कुफर और फिसक से रोकना चाहा तो वो उन बुजुर्गों की जान के दरपे हो गए। लेकिन अल्लाह की कजा आती है तो इंसान मजबूर हो जाता है। अगर बदबख्ती की वजह से आंख आंख के सुर में ही को ना देख सके जो उसका इलाज है तो फिर सवाए अल्लाह से मदद मांगने के कोई चारा ही नहीं रहता। जारी करने से इंसान कजा की मार से बच जाता है। ऐसी हालत में जारी से अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह के गजब के आसार देखकर भी जो होश में ना आया वो जरूर मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। नसीहत करने वालों ने उन्हें नेकी की दावत दी लेकिन उन्होंने ना माना और उनको गमगीन किया। उनसे जवाब में कहा कि हम खुद अपनी भलाई को समझते हैं, हमें तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है। हम सरदार हैं और किसी के ताबिया नहीं बन सकते। तुम्हारी दोस्ती की हमें जरूरत नहीं है। उनके दिमागों में जाहिलियत घुसी हुई थी और बदबख्ती का कव्वा उन पर सवार था। उन्होंने उन यूसुफों यानी बुजुर्गों को जलील किया और फिर उसकी सजा भुगती। अहले सबा के लिए यूसुफ खुद उनका दिल था जो तालिब हक था, लेकिन उस दिल को उन्होंने नफ्स अम्मारा का कैदी बना दिया, यानी रूह को जिस्म के सतून के साथ बांध दिया और उसे मादी गिजाएं खिलानी चाहिए। उसकी गिजा तो जिक्र इलाही था, वो तो लिका दोस्त की भूखी थी। रूह इंसान के जुल्म सितम की खुदा से शिकायत करती है, वो उसे फरमाता है सब्र करो। रूह कहती है ऐ दोस्त मुझे जल्दी अपने पास बुला ले, मुझे नफ्स के हाथों मादी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है जैसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद के हाथों और हजरत साले अलैहि सलाम को समूद के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी थी। रूह कहती है अब मुझे फराक बर्दाश्त नहीं, तू मुझे अपने पास बुला ले या खुद मेरे पास आ जा। खुदा से जुदाई की कैफियत तो कफ्फार भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चे जाई के
मोमिन बर्दाश्त करे। फिराक में बेगानों का ये हाल है तो अपनों का क्या हाल होगा। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 11। देहाती की दावत पर ख्वाजा के गांव जाने का किस्सा। देहाती ने ऐसी खुशामद की, शहरी ख्वाजा की होशियारी को दीवाना बना दिया। याद रख, जो बात भी तेरे लिए दोस्त से जुदाई का सबब बने उसको ना सुनना चाहिए। मामूली फायदे के लिए बड़ा नुकसान गवारा नहीं करना चाहिए। सूरह जुम्मा में किस्सा बयान किया गया है कि एक बार मदीना में गेहूं का आटा फरोख्त करने वाला काफिला आया। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुम्मा पढ़ा रहे थे। सहाबा आटा खरीदने के शौक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाते छोड़कर चले गए। इस पर सहाबा मुर्द इताब बने। उन्होंने थोड़े फायदे के लिए बड़ा नुकसान किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया। सिर्फ 10-12 सहाबा वहां मौजूद रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत तुम्हारे लिए बेहतर थी। रज़्ज़ाक तो मैं हूँ, गेहूं को भी तो मैं ही रिज़्क देता हूँ, तो तुम्हारे तवक्कल को कैसे जाया करता। तुम लोग गेहूं के लिए उससे जुदा हो गए जिसने गेहूं आसमान से भेजा है, क्योंकि नबी से जुदा होना खुदा से जुदा होना है। तू पानी की बतख से कम नहीं जो दावत देने वाले बाज को जवाब देती है। बाज बतख से कहता है, तू पानी से निकल और देख जंगल में कैसे शक्कर बिखरी पड़ी है। बतख ने कहा, ए बास जा, क्योंकि पानी मेरे लिए अमन का किला है, खुश्की की उम्दा खुराक मेरे किसी काम की नहीं है। शैतान इंसान के लिए ऐसा ही है जैसा बास बतखों के लिए था। जब शैतान दुनिया की मोहब्बत का लालच दिलाए उसको धुतकार दो, और रोजी के बारे में इंसान को तवक्कुल से काम लेना चाहिए। पुख्ताकार ख्वाजा ने बहुत उजर किए कि मैं देहात को चला जाऊंगा तो यहाँ कारोबार का इंतजाम नहीं हो सकेगा, लेकिन उसके तमाम हीले तकदीर खुदावंदी का मुकाबला ना कर सके। कजा के मुकाबले आदमी मजबूर होता है। जमीन सूरज की तपश बर्दाश्त करने पर मजबूर है, इसी तरह इंसान कजा के हाथों लाचार है। इंसान को चाहिए कि अपने आप को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के सुपुर्द कर दे, क्योंकि उसने कुरान में फरमाया है, ए इंसानों हमने तुम्हें जमीन की मट्टी से पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। देख लो खाक सारी इख्तियार करने वाले को सुरखरुई हासिल होती है, बीज मट्टी में मिलकर नशो नुमा पाता है। तू खाकी बन जाएगा तो मैं तुझे बड़े रूहानी मरातब से नवाजूंगा। पानी आसमान से जमीन की तरफ आया तो जमीन से निकलकर इंसान का जुज्व बना और इंसानी सिफात इख्तियार करके अर्श तक पहुंचा। आलिम की अजज़ा हरकत और सुकून में यही कहते हैं कि हम तेरी तरफ लौटने वाले हैं। इन पोशीदा अज़ा के जिक्र और तस्बीह ने आसमान में गुलगुला मचा रखा है। आखिरकार शहरी ख्वाजा की साबित कदमी का पहाड़ देहाती की खुशामद के सैलाब के आगे न ठहर सका। कजा हर जगह कार फरमा है, इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा था, हम अल्लाह की कजा से अल्लाह ही की कजा की तरफ फरार इख्तियार करते हैं। कजा से कोई तदबीर रिहाई नहीं दिला सकती। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 12। जरवान वालों का किस्सा और उनका तदबीर करना ताकि फकीरों की जामत से बचकर बागों के फल तोड़ लें। यमन में सना के करीब एक गांव जरवान था। उसके बशिंदों का किस्सा कुरान में मजकूर है। उन्होंने फुकरा को अल्लाह की नेमतों से महरूम रखने के लिए खुफिया सरगोशी की ताकि खुदा उनकी साजिश से बेखबर रहे। कुरान में है, अला यालमु मन खलका वहुवल लतीफुल खबीर, बेशक वो अल्लाह जानता है उनको जिनको उसने पैदा किया है और वो मेहरबान और बाखबर है। अब शहरी ख्वाजा की दास्तान भी सुन लो, क्योंकि वो दर्द से भरी हुई है। तू गौर से सुनेगा तो उसके दिल का धुआं खारिज हो जाएगा। तू अगर अल्लाह की रहमत से सराब है और तेरा सलूक राह हक पर है तो बराए मेहरबानी हमें भी अपनी मैयत का शर्फ बख्श दे। तरद्दुद की कैफियत उरूज के लिए मुजर है, इसलिए अगर हर्न का नाफा हासिल करना है तो हर्न के नक्शे कदम पर चलकर ही हासिल किया जा सकता है। याद रख, आसार ही से जात तक रिसाई होगी। अगर तू इस राह पर मुजाहिदात कर रहा है तो मुश्किलों से ना डर। खौफ का तारी होना इस बात की इलामत है कि जल्द ही ला तखफ का मुकाम
हासिल होगा जो हर तरह के खौफ से बिल्कुल खाली है। गर्ज शहरी ख्वाजा और उसके घर वाले सफर की तैयारी में लग गए कि गांव जाकर वहां की जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे। अंदर से अकल उनको कह रही थी कि ज्यादा खुश ना हो, उसी पर खुशी महसूस करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उसके गैर से खुश होने की कोशिश न करो। जिनकी अकल पुख्ता नहीं होती वो हमेशा दुनियावी लज्जतों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। याद रख, कुदरत पोशीदा है लेकिन उसके तीर देखने वालों को नजर आते हैं। तीर हम पर मुसलसल चल रहे हैं लेकिन कमान छुपी हुई है। उन तीरों की मार ही की वजह से तो हम तवाना जवानी से लागर बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। ए लोगो, दिल की दुनिया को आबाद करो। ये एक मजबूत किला है जिसमें तरह तरह के गुलशन और बागीचे हैं। कल्ब की दुनिया गोया शहर की दुनिया है और खारजी दुनिया गांव की तरह। गांव एक नाकस शेख की तरह होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने देहात की सुकूनत इख्तियार की वो सख्त दिल बन गया। गांव में एक दिन रहने से इंसान एक महीने के लिए बेअकल हो जाता है। शहर गोया शेख कामिल है जो तेरे जाहरी हवास पर बंदी पट्टी खोल देता है। अगर तू अब तक अपने बातिन की सलाह नहीं कर सका तो फिक्र ना कर, अपने जाहिर ही को दुरुस्त करने की कोशिश कर, क्योंकि मजाज हकीकत तक पहुंचने का एक पुल है। पहले सूरत बनी और फिर उसमें जान पैदा की गई। हर मेवे की इब्तदा सूरत है। लज्जत जो कि इस फल कमानी है बाद में आया। ख्वाजा और उसके घर वाले खुशी खुशी सफर पर चल पड़े हैं। सफर फसीला जफर होता है। सफर के बगैर चांद कब हसीन बनता है। अगर मकसद महबूब हो तो इंसान के लिए राह की सख्तियां खुशगवार बन जाती हैं। इंसान महबूब बीवी की खातिर दिन भर कमाई करता है लेकिन याद रखो, फानी अशिया की मोहब्बत आरजी होती है। माँ बाप की मोहब्बत, दूध पिलाने वालों की मोहब्बत सब चंद रोजा होती है। बच्चा की मकतब से नफरत भी आरजी है। सिर्फ मजाजी महबूब पर हकीकी महबूब का साया पड़ जाता है इसलिए वो महबूब बन जाता है। इसलिए मोहब्बत के लायक हकीकी महबूब ही है। एक वक्त वो आता है कि ये हुस्न अपनी असल की तरफ लौट जाता है, फिर ये हसीन खूबसूरत नहीं रहता। जब आरजी हुस्न जाता रहता है तो उसी महबूब से नफरत पैदा हो जाती है। दुनिया की जिन हसीन चीजों पर जाते बारी के परताव से आरजी हुस्न है उन पर फरीफ्ता नहीं होना चाहिए। दीवार पर रोशनी आरजी है, ये सूरज से आ रही है, पानी आसमान से आ रहा है, पर नाले पर अपनी तवज्जो ना कर, उसमें पानी वक्ती तौर पर आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहां आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।